इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। महापर्व की शुरुआत पर लिया जनमानस ने भाग, सुबह से जनता में रहा रुझान। चुनाव आयोग के सख्त नियमों के साथ आज सुबह से ही सभी बूथों पर लंबी लाइनें देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात किया। अपने मत का इस्तेमाल कर वृद्ध व मरीज को भी देखा गया। इस महापर्व पर प्रशासन की कुशल सूझबूझ से सभी बूथों पर कुशलतापूर्वक महापर्व संपन्न हो रहा है। महिलाओं का रुझान इस महापर्व में प्रति बढ़ चढ़ कर रहा। ठंड की परवाह न करते हुए आज सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई। सभी बूथों पर महिला बल की तैनाती रही। सभी बूथों पर अधिकारियों की पैनी नजर रही। बकानी खानपुर विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र नागर व कांग्रेस से सुरेश गुर्जर की आमने सामने की टक्कर रही। 2018 से नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी। कई मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना प्रथम बार मतदान किया है, उन्हें इस पर्व की एक अलग ही खुशी थी। इस बार कुल मतदाता लगभग 24,07,045 रहे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।